का भी बात करें अगर हम इसकी बिल्ड की तो यार फ्रंट में मुझे बिल्कुल नहीं पता यहाँ पर इन्होंने कुछ दे भी नहीं रखा है ऑफिशियली कि कौन सा क्या प्रोटेक्शन है आगे ग्लास वगैरह में वो मेरे को लगता नहीं है की फिर शायद होगा पीछे की अगर हम बात करें ओपो की ब्रांडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है एक पोर्ट्रेट कैमरा देखेंगे इसका भी क्या मेटल देखने को मिल जाता है सर अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 6.7 इंचेस का 2K

बेजल्स की बेजल्स जो है आपको राइट साइड तो इतने ज्यादा देखने को मिलते नहीं है ऊपर नीचे की बात करें तो एकदम हल्के हल्के से एकदम मिनिमल से बेजल्स देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल इसका जो डिस्प्ले वो काफी प्रीमियम सा लगता है तो so अगर है। हम बात करें इसके पोर्ट्स एंड बटन की तो यार यहाँ पर जो है राइट साइड के अंदर आपको एक पावर बटन देखने को मिलता है उसके अपोजिट में लेफ्ट साइड के अंदर आपको यहाँ पर जो है वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है बॉटम साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक स्पीकर ग्रिल एक टाइप सी का पोर्ट प्राइमरी माइक्रोफोन और एक एस कार्ड के स्लॉट देखने को मिलता है जो हमारा स्लॉट है ये आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है टिपिकल ऊपर की साइड आपको एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिल जाता है और उसके बाजू में मिल जाता है एक सेकेंडरी माइक्रोफोन सर अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी इन हैंड फील की तो यार वो आपको देखने को काफी सही मिल जाती है एकदम आपको प्रीमियम वाली फील आएगी क्योंकि यार भले ये प्लास्टिक है बट इसकी जो मैट फिनिश है ना वो काफी प्रीमियम है और ये काफी टॉल है क्योंकि यार 6.7 इंच का डिस्प्ले तो थोड़ा लंबा तो फील होगा बट हाँ हाथ हाँ, में पकड़ने पे काफी कंफर्टेबल है एकदम स्लिम ट्रिम फील होता है सो so, यार अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी की क्योंकि वो भी एक अच्छी चीज है क्योंकि इसके अंदर आपको जो है फोर थाउजेंड की बैटरी मिल जाती है विद सिक्सटी सेवन ऑफ फास्ट चार्जिंग तो काफी जल्दी चार्ज भी होगा और थोड़ा लंबे टाइम तक भी चलने वाला है और एमुलट डिस्प्ले तो पावर कंजन तो थोड़ा कम ही रहने वाला है अब हम चलते हैं इसके गंदे गंदे फीचर्स की तरफ क्योंकि बस जो अच्छी चीजें बताई ना वो अभी तक ही थी अब देखो आप अब कितनी बुरी बुरी चीजें आती है हम आपको स्टार्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर आपको देखने को मिलता है भाई स्नैप 695 ये क्या है वो लिटरली आपको पंद्रह हजार के फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा और ये फोन तीस हजार रुपए का है प्रोसेसर अच्छा है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है बट यार तीस हजार के हिसाब से इट इज नॉट एक्सेप्टेबल और वैसे जो ये ओपो रेनो एट्टी है ना ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड थर्टीन के साथ मिलता है तो करें इसकी अदर कनेक्टिविटीज की तो यार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ फाइव और साथ ही साथ आपको मिलता है डुअल बैंड और उसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा में आपको एन दे दिया है अगर हम बात करें इसकी स्टोरेज टाइप वगैरह की यहाँ पर हमारे पास है एट जीबी रैम और वन ट्वेंटी एट जीबी वाला वेरियंट और इसके अंदर आपको मिलती है यू एफ वाली स्टोरेज यार और लेटेस्ट में आ चुका है यू एफ एस थ्री पॉइंट के आसपास एक चीज जो इन्होंने अच्छी दे रखी है वो जो की एक्सेप्टेबल भी है वो है इसके अंदर फाइव कनेक्टिविटी मिलती है कम से कम चलो वो तो दी इन्होंने और वो भी एक फाइव बैंड ने यार तेरह फाइव बैंड दिए और यार इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर PGMI भी खेलकर देखी थी तो यार आप यकीन नहीं मानोगे कि इसने क्या सेटिंग्स दी होगी मेरे को देखो तीस हजार का फोन है अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम एच पे हाई वगैरह सेटिंग पे खेल पाए लेकिन इसके अंदर आप जो है सिर्फ एच पे हाई सेटिंग्स पर ही खेल पाओगे इसके अंदर आपको कोई अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है मेन जो ओप्पो वालों ने घपला करा है वो करा है इसके कैमरा के अंदर नाम के लिए तो इन्होंने दे दिया आपको हाँ एक सौ आठ कैमरा है आप दुकान पर जाओगे भैया एक सौ आठ मेगा कैमरा है ले लो और एक सौ नंबर बहुत बड़ा होता है और यही एक रीजन है जिस कारण से ये वाले फोन जो है काफी ज्यादा सेल होते हैं। अब पता है इन्होंने मेन घपला क्या करा तीस हजार का फोन है उसके अंदर भी सिर्फ इन्होंने एक सौ आठ मेगा पिक्सल का बस एक मेन लेंस दिया और उसके अलावा यहाँ पर दो दो मेगा पिक्सल के कैमरा दवा दिए सिवे के वो नहीं कहते लॉलीपॉप देना वो दे दिए और यार वो तो ठीक है भाई इसकी कैमरा परफॉर्मेंस इसका 108 एक सौ आठ मेगा पिक्सल सबसे पहले ओवर प्रोसेस कर देता है तो जो कलर्स वगैरह वो आपको काफी देखने को मिलते हैं और साथ साथ ही जो फेस टोन है उसको तो पूरा बिगाड़ ही देता है आपका जो फेस है ना उसको इतना चिकना कर देगा की क्या ही बोलो भाई साहब उसको वो बोलना नहीं चाहिए लेकिन मीठा बना देगा आपको और यार ये तो ठीक है की इसके कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है अभी रियर की अगर हम इसकी वीडियो क्वालिटी देखे तो वहां पर तो इन्होंने आपका आपकी एक्स से भी बुरा वाला काटा है यार यहाँ पर जो इसकी मैक्स है तीस हजार के हिसाब से भाई वन जीरो ओनली थर्टी एफ पी एस नो सिर्फ मैक्स टू मैक्स आप वन जीरो कर पाओगे मतलब क्या है यार ओपो है तीस हजार का कोई बंदा फोन ले रहा है एटलीस्ट वो फोर के एक्सपेक्ट करता है और फोर के नहीं तो वन जीरो तो एक्सपेक्ट करता ही है ओपो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द मार्केट और यार अगर हम बात करें इसकी सेल्फी कैमरा की तो यार यहाँ पर आपको जो है फ्रंट में सेंटर पंचोल स्टाइल में थर्टी टू मेगा पिक्सल की सेल्फी कैमरा मिल जाती है जिसकी फोटोज तो काफी अच्छी आती है ठीक है फोटोज के बारे में मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा कि फोटोज अच्छी आ रही है वही चिकना कर देगा बस और कुछ नहीं बिल्कुल टिपिकल ओपो स्टाइल का कैमरा है अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रंट में इसकी वीडियो रिजोल्यूशन की तो यार यहाँ पर आप आपको मिल जाता है सेवन ट्वेंटी और वन जीरो के अंदर आपको मिलती है वो थी इसका माइक्रोस्कोपिक लेंस जिसके अंदर आप माइक्रोस्कोपिक्स और फोर्टी एक्स तक माइक्रो फोटोज खींच सकते हो और जिसका आउटपुट काफी ज्यादा तगड़ा आता है एक और चीज जो इन्होंने अच्छी दे रखी है और वो है की कम से कम यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर दे रखे है आपका जो मीडिया कंजम्प्शन है वो चीज काफी अच्छी रहने वाली बाकी परफॉर्मेंस गई तेल लेने कैमरा गया तेल लेने वीडियो रिजोल्यूशन गए तेल लेने लुक्स अच्छे हैं मीडिया कंजम्प्शन अच्छा है स्पीकर अच्छे है बैटरी अच्छी है और चार्जिंग अच्छी है इसके तो मेरे को इसके अंदर कुछ भी जो है तीस हजार रुपए के हिसाब से वर्थ नहीं लगा मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ओप्पो ब्रांड से बट प्रॉब्लम ये है ना कि यार ये वाले जो फोन है ये ऑफलाइन मार्केट में काफी ज्यादा बिकते हैं और लोग इसको क्या है बस इसके लुक्स के हिसाब से या इसके कैमरा नंबर के हिसाब से जज कर लेते हैं और ले लेते हैं फिर बाद में उनका इतना बड़ा नुकसान होता है ना तो यार मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी का भी नुकसान हो और मैं बस ओप्पो को इतना सा बोलना चाहता हूँ कि यार क्यों काटना भाई इतना बुरा लोगों का यार क्या तुम्हारी एक्स तुम्हारा बहुत बुरा काट के गई थी जो उसके बाद से तुम ये हरकत कर रहे हो तीस के फोन के हिसाब से बिल्कुल वर्थ नहीं है इस फोन की पंद्रह से बीस हजार का फोन है यार ये उतना भी नहीं क्योंकि फोर के है ही नहीं ना ना सिक्सटी एफ है तीस हजार की एकदम मावहन हो जाती है यार इस फोन को लेने के बाद सर ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए की आपको क्यों इस फोन को नहीं लेना है और ये फोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो मैक्सिमम लोग जो है इस फोन की तरफ जाने वाले हैं और मैं क्या कोई भी टेक यूट्यूबर होगा तो तो वो इसको सजेस्ट नहीं करेगा कि यार यार आप इस फोन की तरफ जाओ क्योंकि यार ये तो एकदम आज की वीडियो में बस इतना ही मेरा बस मेन मोटिव था की आप लोगों को समझ आए इसकी जो सच्चाई है सर इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो इस ओप्पो के होने वाले फ्रॉड से बच जाए और मुझे कॉमेंट्स बताना की आपको ये फोन जो है कितना गंदा लगा तो फिर मिलते हैं आपसे एक और अच्छी ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और हाँ इस वीडियो को लाइक के बिना और चैनल को सब्सक्राइब के बिना कोई नहीं जाएगा क्योंकि यार आप लोगों के लिए ऐसा ही एकदम तगड़ा तगड़ा कॉन्टेंट अभी बहुत सारा आने वाला है और यार देखो अभी है ना तेईस फरवरी को मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार प्लीज मेरे बर्थडे तक मेरे वन के सब्सक्राइबर करवा दो उससे अच्छा मेरे लिए कोई प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है फिर मिलते हैं आपसे एक और अच्छी वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय